पेनिस एक बहुत ही अद्भुत ऑर्गन होता है किसी मेल बॉडी का, और इस एक ही ऑर्गन से तीन तरह के काम होते हैं। पहला यूरिन पास आउट होता है, दूसरा सेक्सुअल एक्टिविटी, इसके बिना पॉसिबल नहीं है। आई मीन अगर आप कर भी लो उसके बावजूद भी एक अनसैटिस्फेक्शन सा रहता है, अधूरापन सा रहता है। तीसरा रिप्रोडक्टिव फंक्शन, इसके बिना पॉसिबल नहीं है। आई मीन अगर आप अपने जैसी संतान पैदा करना चाहते हैं तो आपको इस पेनिस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इन तीनों कार्यों में पेनिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और यही वो रीजंस हैं जिसके वजह से कोई आदमी अपने पेनिस की हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा चिंतित रहता है, और कभी कभी तो वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्शियस भी हो जाता है ये सोच सोच कर कि यार मेरा जो पेनिस का साइज है वो ठीक है या नहीं, इसकी थिकनेस ठीक है या नहीं, या ये और ज्यादा लंबा हो सकता है या नहीं। उसके दिमाग में एक ही चीज रहती है, यार मैं किसी फीमेल को सेटिस्फाइड कर पाऊंगा या नहीं, या कर सकता हूं या नहीं। रीजन चाहे कुछ और हो लेकिन वो लेकर जाएगा अपने पेनिस के ऊपर ही, शायद मेरा पेनिस का साइज ठीक नहीं है, इतना लंबा नहीं है, मैं किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता हूँ। इनफेक्ट जो नए नए लड़के जवान हो रहे होते हैं, जो ग्रोइंग एज में होते हैं, उनके अंदर तो ये क्यूरियोसिटी और ज्यादा हावी हो रही होती है कि यार पेनिस का एक्यूरेट साइज कितना होना चाहिए, क्या मेरा साइज ओके है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पेनिस से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी जिससे आपकी सारी शंकाएं सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो पहला, ग्रोथ ऑफ पेनिस। सबसे पहले पेनिस की लंबाई बढ़नी शुरू होती है, उसके बाद उसकी चौड़ाई। पेनिस की ग्रोथ जो होती है वो 10 से 14 साल के अंदर होना शुरू होती है, और 16 से 21 साल के दौरान वो फुली डेवलप हो जाता है। ये एक मेल के प्यूबर्टी का टाइम होता है जब उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस आने शुरू होते हैं। तो उस वक्त ना सिर्फ उसके पेनिस में चेंजेस आते हैं बल्कि उसके अदर बॉडी पार्ट में भी काफी बदलाव आता है। उसकी हाइट बढ़नी शुरू होती है, उसको मसल गेन होने लग जाता है, साथ ही साथ उसकी आवाज में भी थोड़ा भारीपन आ जाता है। इसके साथ ही साथ उसको मॉर्निंग वुड जैसी चीजें होनी शुरू हो जाती है, वेट ड्रीम्स उसको आने लग जाते हैं, सेक्सुअल फीलिंग उसके अंदर आने लग जाती है, प्यूबिक हेयर्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, टेस्टिकल्स का साइज भी ग्रो होने लग जाता है, और ये कंप्लीटली ये सारी चीजें कंप्लीटली नॉर्मल है। प्यूबर्टी के टाइम पे जब पेनिस की ग्रोथ होना शुरू होती है, उस वक्त अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे लें तो आप अपने पेनिस का साइज बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, वो भी नेचुरली। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक हेल्दी वर्कआउट अपने डेली रूटीन में ऐड करना होगा। वीक में 2 बार आपको ऑलिव ऑयल से मसाज करनी होगी अपने पेनिस के, अपने जेनिटल्स की, और इसके साथ आपको हेल्दी डाइट ऐड करना होगा। मतलब ये चाट पकौड़ियां होती है ना, उसको खाने की बजाय हेल्दी डाइट आपको ऐड करना होगा। आप किसी डाइटिशियन की भी मदद ले सकते हो। वो जो लड़के नए नए जवान हो रहे होते हैं, जो ग्रोइंग एज में होते हैं अपने, उनके दिमाग में हमेशा एक शंका रहती है कि यार मैं अपने पेनिस का जो मेजरमेंट है, जो साइज मेजरमेंट है, वो कब करूं, किस वक्त करना सही रहेगा, हैंगिंग पोजीशन में एक्यूरेट साइज निकलेगा या फिर जब वो इरेक्ट हो जाता है उसे मालूम कि वो सही साइज है। तो ये हैंगिंग पोजीशन में आप जब भी अपने पेनिस के साइज की मेजरमेंट करेंगे वो साइज हमेशा आपको कम ही मिलेगा। तो अगर आपको अपने पेनिस का सही साइज जानना है तो जब वो इरेक्शन पोजीशन में हो, इरेक्ट हुआ हो, तब आप उसकी मेजरमेंट करें, वो आपका एक्यूरेट साइज होगा। किसी भी फीमेल को सेक्सुअली सेटिस्फाइड करने के लिए पेनिस का साइज मैटर नहीं करता, इस बात को गांठ बांध लो। पेनिस का साइज किसी का छोटा है या बड़ा है वो उसकी फिजिकल एबिलिटी को नहीं दर्शाता। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बड़ा लेकर बैठा है तो वो ओलंपिक में जाके गोल्ड मेडल जीत ही लाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आपके पेनिस का साइज चाहे छोटा हो या बड़ा हो वो रहेगा गूंगा ही, आपको कभी कुछ नहीं कहेगा। तो उसकी हेल्थ का पता आपको खुद लगाना पड़ेगा कि वो हेल्दी है या नहीं। और वो आप कैसे पता लगाएंगे, ऑब्जर्व करके, सेक्सुअली एक्टिव होकर, कि इरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको मॉर्निंग वुड हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर इरेक्शन के टाइम पे या सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे आपको कहीं कोई पेन तो नहीं हो रहा है। अगर सेक्स के दौरान आपको पेन नहीं रहता है पेनिस में और वो फुल इरेक्ट रहता है जब तक ऑर्गजम तक ना पहुंचे, इट मींस इट्स एब्सोल्युटली फाइन, हलवा शलवा बांटो, आप हेल्दी हैं। अब बात करते हैं कि पेनिस की ग्रोथ पर किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है।
तो देखिए हेरिडिटी का तो प्रभाव पड़ता ही है, क्योंकि इंडियन मेल का जो एवरेज साइज होता है जेनिटल का वो 4 और 4.5 के बीच में होता है। लेकिन आपने सुना होगा कुछ लोगों को बोलते हैं कि मेरा तो 5 है, मेरा तो 6 है, मेरा तो 7 है, तो उस केस में देखिए हेरिडिटी का भी रोल होता है। और जो दूसरा प्रभाव किसी की पेनिस की ग्रोथ पर पड़ता है वो होता है हार्मोन्स का। अगर उस प्यूबर्टी के टाइम पे, उसकी ग्रोइंग एज के टाइम पे, अगर उसके हार्मोन्स मतलब टेस्टोस्टेरोन जो उसका हार्मोन होता है उसका लेवल अगर लो है तो उसका जो पेनिस का साइज है वो छोटा रह जाएगा। आप उस वक्त अपने हार्मोन्स के लेवल को बढ़ा भी सकते हैं नेचुरल तरीके से, हेल्दी डाइट लेके, वर्कआउट करके। अब बात करते हैं कि ऐसे वो कौन से रीजन है या कौन से फैक्टर हैं जिनके वजह से एक जो मेल जिसका साइज बड़ा होता है वो भी छोटा दिखाई दे रहा होता है, और वो खुद भी एक डाउट में ही होता है कि यार मेरा साइज लगता है छोटा ही है। तो ऐसा किसके साथ होता है? वो मेल जो कि ओबीज कैटेगरी में आते हैं, जिनकी वो लंबी सी तोन ऐसे निकली हुई होती है, टेबल को टच कर रही होती है, तो उनकी वो बैली के नीचे उनका जो पेनिस होता है वो दब जाता है। दूसरा, वो लोग जो अपने जेनिटल के आसपास पूरा जंगल बना के रखते हैं, मतलब उनके प्यूबिक हेयर की जो ग्रोथ होती है वो इस लेवल पे होती है कि यार किसी लड़की के बालों की ग्रोथ भी क्या होगी। तो ऐसे में क्या होता है, उनका जो पेनिस होता है वो बालों में छुप जाता है और जो उसका साइज होता है वो छोटा दिखाई दे रहा होता है। तो ऐसे लोग जो कि अपने प्यूबिक हेयर्स को ट्रिम नहीं करते, किया कीजिए, ना सिर्फ इसलिए कि आपका पेनिस का साइज बड़ा दिखे बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो हाइजीनिक पर्पज से सही है। अपनी साफ सफाई करिए, क्लीन रखिए उस चीज को। और हाँ, ये जो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट वाले होते हैं ना, जो इतना दमखम भरते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और पूरा चोड़ में अगर बोलते हैं कि भाई हम तो पेनिस के साइज को इतना बड़ा कर देंगे और इतना कर देंगे, टॉप बना देंगे, तो कुछ नहीं होता हुआ था। इन सब चीजों से दूर रहिए, सब हवा है। पेनिस के साइज के बारे में ओवर कॉन्शियस होना मतलब आप अपनी पीसफुल लाइफ में, अपनी सेक्सुअल लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हो। अब बात कर लेते हैं कर्व्ड पीनस की कहानी पर। ज्यादातर मेल क्या सोचते हैं कि एक बार जब इरेक्शन हो जाए तो उसके बाद पीनस को स्ट्रेट ही होना चाहिए। वो हल्का सा लेफ्ट क्यों हो जाता है, या हल्का सा राइट क्यों हो जाता है, या डाउनवर्ड क्यों हो जाता है? तो अगर आपके साथ ऐसा होता है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेंशन आपको तब लेनी चाहिए जब कर्व्ड जरूरत से ज्यादा हो, और जब आप सेक्सुअली परफॉर्म कर रहे हो तो आपको दर्द हो रहा हो, पेन हो रहा हो, आप ढंग से परफॉर्म ना कर पा रहे हो, इंसर्ट ही ना कर पा रहे हो, दिक्कत आ रही है, तो उस वक्त आप खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। पेनिस से रिलेटेड कुछ बीमारियां भी होती हैं, लाइक इलेक्ट्रॉयड डिस्फंक्शन। इलेक्ट्रॉयड डिस्फंक्शन का मतलब होता है पेनिस में इरेक्शन ना होना, उसका प्रॉपर खड़ा ना हो पाना, जिसके पीछे बहुत से रीजन हो सकते हैं। एक तो बहुत नेचुरल सा रीजन होता है, दैट इज ओवर एजिंग। मतलब अगर कोई मेल 60 अबव है तो नेचुरली उसके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका जो पेनिस है वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा, इरेक्शन ही नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपकी एज कम है और उसके बावजूद भी आपके पेनिस में वो इरेक्शन नहीं होता है तो सोचने की जरूरत है। अब इसके पीछे बहुत से रीजन हो सकते हैं, उन रीजन का पता लगाने की जरूरत है। वो मेडिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। देखो, अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन आपके डॉक्टर के पास है। आप उसे अपना चेकअप कराइए, वो आपकी बीमारी को डायग्नोज करेगा और आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा। अगर कोई फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम है तो उसके लिए देखो आपको अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा चेंज लाने की जरूरत है, खाने पीने में थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है, अपने सोने का टाइम, जागने का टाइम, इन सब चीजों में चेंज लाने की जरूरत है। हेल्दी वर्कआउट ऐड कीजिए, हेल्दी डाइट पर ध्यान दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तीसरा, साइकोलॉजिकल रीजन। इसका सोल्यूशन भी आपके पास ही है। आप अगर मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं या डिप्रेशन में रहते हैं, कोई टेंशन है आपको, तो इन सब चीजों से दूर रहें, मेडिटेशन करें, अपने अंदर आप काफी फर्क पाएंगे। देन एक प्रॉब्लम और है जो ज्यादातर मेल में आजकल देखी जा रही है, दैट इज प्री मेच्योर इजैकुलेशन। हर दूसरा बंदा इसी चीज से परेशान है कि मैम जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। तो देखिए, इसके ऊपर तो मेरा पूरा डिटेल वीडियो है कि डिस्चार्ज जल्दी क्यों हो जाता है, कैसे रोका जाए, उसमें आपको सोल्यूशन भी मिलेंगे और ये होता क्यों है इसके रीजंस के ऊपर भी मैंने बात की हुई है। एक पूरा डिटेल वीडियो है मेरा, उस वीडियो को आप जाकर देखें। नाउ पैरोनी डिजीज। पैरोनी का मतलब होता है पेनिस में कर्व पड़ना। अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पेनिस में जो कर्व अगर हल्का सा पड़ता है, स्लाइटली लेफ्ट या राइट बैंड हो रहा है, डाउनवर्ड हल्का सा बैंड हो रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो ज्यादा ही बैंड है, आप सेक्सुअली परफॉर्म भी नहीं कर पाते, आपको दिक्कत होती है, तो चिंता का विषय है।
इसके पीछे एक ही रीजन होता है कि सेक्स के दौरान अगर किसी के इरेक्ट पेनिस में कोई इंजरी हो जाए, तो अगर कोई इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इंफेक्शन, वो लोग जो कि प्रिकॉशंस के साथ चीजों को नहीं करते, बहुत ही केयरलेस एटीट्यूड होता है उनका, मतलब किसी के साथ भी कुछ भी कर लिया, ध्यान नहीं दिया चीजों का कि अगर मैं किसी कॉल गर्ल को हायर कर रही हूँ या प्रोस्टिट्यूट को हायर कर लो तो कॉन्डम यूज करूं, या थोड़ा सा हाइजीनिक तरीके से सारी चीजें करूं, तो वहां पर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहूंगी कि प्लेजर के लिए भी पैसे फूको पहले, बाद में बीमारी के ट्रीटमेंट के ऊपर भी पैसे फूको, क्या फायदा है ऐसे प्लेजर का। तो थोड़ा सा ध्यान देकर चलो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मेरी तरफ से इतना ही, कैसा लगा ये वीडियो बताना मत भूलिएगा, और अभी अपकमिंग सैटरडे में दोबारा मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। तो आपके पास पूरे 4 से 5 दिन हैं, आप अपनी क्वेरीज जो भी हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर वर्क करूंगी, फिर आपके जवाब आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।